देखिए, आदिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलला की जन्मभूमि, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करती आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में अभिषेक रहकर शुक्ल, अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं इस खबर को। अभिषेक जी, कैसे हम इस पूरे प्रकरण को देखें, ये जो पूरा घटनाक्रम जो है और राधिका खेड़ा का जो बयान है वो बात को, क्योंकि हमारे सहयोगी जो हैं वो भी बता रही हैं, ममता भी, कि बात तो कहीं और से शुरू हुई थी, अब श्री राम का भी, श्री राम के दर्शन को भी इसमें जोड़ दिया गया, तो क्या ये केवल एक रायपुर में जो एक घटनाक्रम हुआ, केवल केवल ये एक छोटा सा प्लॉट था, कहीं और से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, क्या ये माने? देखिए, उनका जो इस्तीफा सामने आया है, जो उन्होंने ट्वीट करके दिया है, उस इस्तीफे को हम देखें तो उस इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि मेरे इस काम, मैं राम मंदिर गई थी तब से मेरा विरोध शुरू हो रहा था और ये विरोध इस स्तर तक बढ़ गया था पार्टी के अंदर कि छत्तीसगढ़ का उन्होंने जिक्र किया कि मेरे साथ जब छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय में घटनाक्रम हुआ तो मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया। तो राधिका खेड़ा का इस इस्तीफे का अगर हम मतलब निकालें तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि लंबे समय से शायद उनका विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर। जब वो मंदिर गई थी वो इस ओर इशारा करना चाह रही हैं, लग रहा है कि मंदिर जाने के बाद से उनका कहना है कि विरोध हो रहा था और ये विरोध इस स्तर तक पहुंच गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय में जब उन्होंने उनका विवाद सामने आया सुशील आनंद शुक्ला जो मीडिया चेयरमैन उनके साथ, उस मामले में उनको न्याय देने से इनकार कर दिया गया। क्योंकि उसके आगे भी उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर रही हैं वो कि मैं महिला होने के नाते और प्रभु राम के भक्त होने के नाते आहत हूँ और लड़की हूँ, लड़ती रहूँगी, इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए पुनीत, तो लगातार सनसनीखेज तरीके से चर्चा का विषय ये मामला बना हुआ है और 7 तारीख को जब चुनाव है, ऐसे में ये खासा तूल पकड़ चुका है क्योंकि भाजपा लगातार इस मामले को लेकर ट्वीट कर रही थी और राधिका खेड़ा का भी एक ट्वीट बीच में सामने आया था कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, काका को लेकर उन्होंने ये यहाँ पर एक जिक्र किया था अपने ट्वीट के जरिए। तो ये पूरा मसला जब बढ़ते जा रहा था, लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय था और विवाद बढ़ रहा था, विवाद के बीच में राधिका खेड़ा मीडिया के सामने तब आई थी जब बयान दर्ज कराने के लिए उनको बुलाया गया था दीपक बैज के पास। तो राधिका खेड़ा तब भी उन्होंने कहा था कि मैं बयान दर्ज करा रही हूँ और अभी कुछ नहीं बोलूंगी मीडिया के सामने, समय आने के बाद बोलूंगी। तो उस दिन सुशील आनंद शुक्ला ने भी बयान दर्ज कराया था, तब लगने लगा था कि शायद मामला अब समाप्त हो जाएगा और बयान दर्ज हो गया, लेकिन एक या दो दिन की खामोशी के बाद फिर से अब ये इस्तीफा यहाँ पर आया और इस्तीफे का कारण राधिका खेड़ा, जैसा कि हम सुन भी रहे थे, कह रही थी कि 5-6 दिन हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस बात को लेकर मैं आहत हूँ। तो मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा शायद किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि राधिका खेड़ा ये भी कह जा रही है कि जो कि शायद हो सकता है कि जो भी पार्टी के भीतर बात हुई हो, लेकिन वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि तुमको न्याय नहीं मिलेगा, ये पार्टी में कह दिया गया। जी जी, बड़ी बड़ी बात है पुनीत, ये बड़ी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़ी बात है कि राधिका खेड़ा इस्तीफे में इस बात का जिक्र किया है कि तुमको न्याय नहीं मिलेगा और उसका कारण उन्होंने वो राम मंदिर का बताया कि शायद राम मंदिर जाने के बाद से वो कह रहे हैं कि कुछ विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, जैसा कि उनके इस्तीफे में इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, हालांकि इस्तीफा उनका हो गया है और जैसा मैं कह रहा हूँ कि किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था,
और हालांकि सुर्खियां लगातार ये विवाद बटोर रहा था और कांग्रेस भी सफाई दे रही थी, भाजपा आक्रामक मूड पे यहाँ पर थी और न्याय का जिक्र बार बार यहाँ पर हो रहा था। और इसी बीच ये इस्तीफा जिस तरीके से सामने आया है तो एक बड़ा सभी को आश्चर्य यहाँ पर हो रहा है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा कदम राधिका खेड़ा यहाँ पर उठा लेंगी। और दिलचस्प ये है कि ये पूरा प्रकरण जो है ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और से पहले तुरंत पहले हो रहा है और अभी भी जब राधिका खेड़ा ने सबसे अपनी बाइट जो समाप्त उन्होंने किया तो उन्होंने एक बात कही कि मैं अभी तो इस स्थिति में नहीं हूं कि बहुत ज्यादा, हालांकि उन्होंने पूरी बात रखी लेकिन उन्होंने समप करते हुए एक प्रकार से कांग्रेस की टेंशन को और बढ़ाने का काम किया, कहा कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगी और फिर एक एक करके बहुत सारी बातें बतानी है, खुलासे करूंगी बोला है। और आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, कुछ घंटे पहले ये एक बड़ा जो विवाद सामने आया, राधिका खेड़ा का विवाद सामने आया, फिर इस्तीफा हुआ और आप जैसा आप बता रहे हो कह रही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ी है कि राधिका खेड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि अंतिम समय जब पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकनी चाहिए तो पार्टी को इस विवाद को निपटाने में और इस विवाद की सफाई देने में पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से चुनाव का समय है, 7 तारीख को 7 सीटों पर वोटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ में खास बात है पुनीत की महिला वोटर्स ज़्यादा हैं, बस ये भाई, और दोनों ही पार्टियां महिला वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, वाकई में एक थोड़ा सा टेंशन जरूर कांग्रेस को तो है, कांग्रेस के लिए टेंशन है। धनंजय जी, कांग्रेस में ये कह दिया जाता है कि तुमको न्याय नहीं मिलेगा। धनंजय जी लगता है कि उनसे संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है कि किसी भी प्रकरण की जांच हो रही हो और ये कह दिया जाए कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये मामला उसी वक्त शायद, अगर कह दिया जाता तो उसी वक्त शायद वो गुस्से में आकर, लेकिन अब चीज़ जो है वो अलग दिशा में और बड़ी होती नज़र आ रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें करने वाली हैं। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं, राजीव जी क्या कहेंगे? देखिए एक और झटका लगा, देखिए एक और इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को, एक दिन में कांग्रेस को 2 बड़े झटके। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है, सुशील आनंद शुक्ल से विवाद के बाद इस्तीफा दिया, कांग्रेस में राम नाम लेने वालों का विरोध होता है ये खेड़ा कह रही है, और सागर में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई, जो कि हमने तस्वीरें भी दिखाई जिसका जिक्र भी कर रहे थे, महिला है और उन्होंने भी कहा कि महिला सम्मान के मुद्दे पर मैं पार्टी छोड़ रही, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है ये उन्होंने कहा और पार्टी छोड़ दी। मध्य प्रदेश में भी झटका, छत्तीसगढ़ में भी झटका, राष्ट्रीय स्तर पर भी झटका, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्मला सप्रे भी शामिल हो गई, विधायक है बीजेपी कांग्रेस की, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, नमस्ते कर दिया मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और ये कहा कि महिलाओं का सम्मान पार्टी में नहीं होता है और इसीलिए मैं पार्टी छोड़ रही हूं। दूसरी तरफ राधिका खेड़ा कह रही हैं कि महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है पार्टी में और रामलला के दर्शन किए इसीलिए मुझे पार्टी में प्रताड़ित किया गया, बार बार वो ये मैसेज जो है अपने इस्तीफे अपने बयान के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि राम के दर्शन करने गई और उसके बाद प्रताड़ित मुझे करना शुरू कर दिया गया पार्टी में, जबकि बात जो सामने आ रही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस में जो विवाद की वजह शुरुआत में सामने आई वो यही बताया जा रहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था पार्टी की गतिविधियों को लेकर के, लूप में नहीं रखा जा रहा था, जानकारी साझा नहीं की जा रही थी चुनाव के दौर में नेताओं के दौरे को लेकर के। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निर्मला सप्रे की बात वासु से कर लेते हैं। वासु, एक मैसेज, चुनाव के पहले वोटिंग होनी है, आज प्रचार खत्म होने को है और वोटिंग के पहले एक प्रकार से ये मैसेज महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश कि कांग्रेस में महिलाओं का न सम्मान है न उन्हें न्याय मिलता है।
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के लिए जो स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। विधानसभा के जो परिणाम आए थे वो कांग्रेस के हक में, कांग्रेस के पक्ष में वैसे ही नहीं आए। 63 विधायक चुने गए थे और उसमें से आज तक अगर देखें तो -3 हो चुके हैं। अब 60 विधायक कांग्रेस के बचे हुए हैं। निर्मला सप्रे जो कि सागर, जो मध्यप्रदेश का एक बुंदेलखंड इलाके में आने वाला जिला है, वहां से इकलौती विधायक थी कांग्रेस की, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और बातें वही निकलकर सामने आई जो परेशानी का सबब भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के लिए बना हुआ है। निर्मला सप्रे ने कहा कि महिलाओं की इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है और लगातार कांग्रेस के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप की एक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, और इसलिए अब पार्टी का दामन छोड़कर वो बीजेपी में आज शामिल हो गई। इससे पहले भी हमने देखा कि मध्यप्रदेश में एक लंबा दल बदल का दौर जो है वो देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व तो बदल दिया जाता है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए बदलते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। बीच लोकसभा चुनाव में जब 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 2 चरणों का मतदान बाकी है, दल बदल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो इंदौर के प्रत्याशी ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और अब एक विधायक का और जाना, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। ये चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है, प्रदेश नेतृत्व के लिए। जो नई टीम मध्यप्रदेश में बनाने की बात की जा रही थी वो नई टीम भी अब तक नहीं बन पाई है। जो भी कांग्रेस से रुष्ट हो रहा है उसको बीजेपी भा रही है, बीजेपी में वो जा रहे हैं, ये दिलचस्प है। दिलचस्प यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में बैठकर कहते हैं कि कमलनाथ तो आ रहे थे, बहुत सारे लोग ला रहे थे, इसलिए हमने उनको पार्टी में होल्ड कर दिया। कचरे का घर नहीं है या कचरे के डब्बे हमारे पास नहीं है, वो ऐसी बातें करते हुए नजर आए। दिलचस्प ये भी है कि कमलनाथ के करीबियों को उन्होंने पहले बीजेपी में शामिल कर लिया। ये सब जो है घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, ये बड़ा अजीब सा और अलग हो रहा है। अचानक से विचारधारा लोगों की बदल जा रही। बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है और मध्यप्रदेश में ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ है, इस सबके बीच जब हम आम जनता के बीच जाते हैं और दूसरी घटना को आप ये देखिए कि मध्यप्रदेश में वोटिंग परसेंटेज में गिरावट हुई है, तो एक कारण जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आम लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि दल बदल होता है तो उससे कहीं ना कहीं जनता के मन में भी एक जो भाव है या इंटरेस्ट की कमी वोटिंग के दौरान जो है वो नजर आ रही, उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है। तो इस पर भी एक नेता तो अचानक से पाला बदल ले रहे हैं मौके की नजाकत को देखकर। ठीक है वासु, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राधिका खेड़ा मामले की अगर बात कर ली जाए तो फिर से वापस अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और समझना चाह रहा हूं कि यह विवाद जो है इसको राम तक ले जाने का जो रास्ता है, ये इतने दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी वहां पर कोई नुमाइंदा मौजूद रहता है, दीपक वैद सुनते भी हैं दोनों पक्षों को, विवाद होता है, ये सब कुछ घटनाक्रम जो है ये क्या बता रहा है और कहां से शुरू हुआ था, ये क्या तब लग रहा था? जी देखिए, ये घटनाक्रम दरअसल राधिका खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए या मीडिया को बाइट दी थी कांग्रेस भवन में ही, लोगों ने बाइट ली मीडिया ने और उसके बाद चले गए, और उसके बाद राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के केबिन में बातचीत हुई और विवाद वहाँ पर गरमाया। और कहा गया, बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा के दौरे को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद की स्थिति बनी, बातचीत हुई और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हॉट टॉक में बदल गया। और उसके बाद राधिका खेड़ा रोते हुए वहाँ से निकली और मलकीत सिंह गैदू जो महामंत्री वहाँ तक पहुँची, वहाँ पर शिकायतें हुई और उसके बाद राधिका खेड़ा शायद वहाँ से चली गई। तब तक मीडिया को इस बात की जानकारी नहीं थी, देर रात ये बातें बाहर सामने आई और उसके बाद से ये मामला अचानक से बड़ा होने लगा। तब भी लेकिन पुनीत इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये मसला इतना लंबा चलेगा क्योंकि अगले दिन राधिका खेड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ। क्या ये पता चल पाया कि राधिका खेड़ा जब रो रही थी बाहर आई तब वो उन्होंने किसको फोन किया था, अपना दर्द किसको वो जाहिर कर रही थी, और वहां से उनका तो ये कहना है कि मुझे तो न्याय नहीं मिल रहा, पार्टी कह रही है कि आपको इंसाफ मिलेगा ही नहीं, पार्टी का कह दिया उन्होंने। जी देखिए,
किसको फोन किया एग्जैक्टली ये ना राधिका खेड़ा ने किसी को बताया ना वहाँ पर सामने आए, तो खुलासा राधिका खेड़ा ही कर सकती है कि फ़ोन उन्होंने किसको किया। कई सारी चर्चाएं थी, चर्चा ये थी कि पवन खेड़ा को कर सकते हैं या फिर राधिका खेड़ा, जैसे बाद में उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को उन्होंने किया छत्तीसगढ़ के, तो वो बड़े नेता कौन थे जिनसे राधिका खेड़ा ने बात की। ये खुलासा तो जब तक राधिका खेड़ा खुद नहीं करेंगी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वीडियो ज़रूर आया और किसी बड़े नेता से ही बात हो रही थी, उनकी ये बात तय थी। और ये विवाद वीडियो सामने आने के बाद गहरा गया और दिन भर सुर्खियां बटोर। ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये वीडियो भी जो है ये किसी मीडियाकर्मी के द्वारा बना लिया गया, वहां पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लोग ही मौजूद थे तो कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने बनाया, किसके द्वारा ये सब कुछ हुआ था, ये क्या बात सामने आई भाई? भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि किसी मीडियाकर्मी द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि मीडियाकर्मी बाइट लेकर जा चुके थे, ये वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाया। अब ये व्यक्ति कौन है, क्या कांग्रेस पार्टी के वहां पर कार्यालय मौजूद कोई व्यक्ति था या कोई पार्टी का सदस्य था, ये अभी क्लियर नहीं है। चलिए वीडियो कहां से वायरल हुआ और बनाया किसने, लेकिन मीडिया द्वारा नहीं था, मीडिया वहां से जा चुकी, लेकिन वहीं से ये पूरी कहानी शुरू हुई। और अब राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ये भी कह दिया है कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, कई सारे खुलासे होने हैं, राम विरोधी भी बात, राम का विरोध किया जाता पार्टी में, ये बात भी वो कहती हुई अपने बयान में नजर आई है। इसी